मुझे तो चढ़ गई यार। बॉस, सॉरी बॉस, वो क्या है ना, मैं आपके लिए गोभी या पनीर या फिर मंचूरियन लाने वाला था, लेकिन वो जो शेफ है ना, वो तो अड़ ही गया, मेरी बात मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैं ले आया गर्मा गर्म पनीर टिक्का। ये भी एकदम मस्त है। हाँ। कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। सुपर है यार। तुम्हें भी बियर पीने का शौक है क्या? ए, पहली बार साथ में पी रहा है क्या? हमने साथ में कितनी बॉटलें कट की है, भूल गया तू? ए, क्या हुआ? ए, कैरेक्टर क्यों ढीला हो गया बे तेरा? ए, पीछा हट। मम्मी! भूत! अभी तेरी वजह से प्यार से मेरा भरोसा उड़ जाता है यार। कहाँ चली गई वो? मुझे क्या पता। हेलो, हम वैसे टाइप के लोग नहीं यार। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुनना, जिसको देखता हूँ वही दिखती है, जहाँ देखता हूँ वही दिखती है, इसका मतलब क्या है? मतलब तेरे को सॉलिड चढ़ गई है। बाइक है, बाइक में पेट्रोल भी है, फिर भी इसको हाथ गाड़ी का बना के रखा है। अरे तू समझता नहीं है। ठीक है, गाड़ी ठीक है, रख ले रख ले। बेकार में पुलिस के लफड़े में पड़ रहा है। रुक रुक रुक, ए अपना नाम बता। ये शाहरुख खान और ये आमिर खान है। सच सर, ये दोनों पिकर फुल टाइट है सर। ए इधर आ, क्या रे, तू शाहरुख खान है और ये आमिर खान है? अरे सर, आपको बुरा लग गया क्या? तो आप सलमान खान हो? अबे मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर आप ऋतिक रोशन हो सर? मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। हो जाएगा। अपनी बाइक इधर छोड़ और पैदल निकाल। सुबह पुलिस स्टेशन आके फाइन भर के बाइक लेके जाना। चल फोट। अपनी गाड़ी को धक्का मारना गलत बात है। पुलिस को देख कर बाइक से उतर कर पैदल चलना गलत है। थोड़ी दूर जाकर बाइक स्टार्ट करके भाग जाओगे। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए लल्ले। तो फिर इतनी रात को इतने शरीफ लोग घर कैसे जाएंगे? ऐसी बात है, डिपार्टमेंट की बाइक है ना, ले जाइए। ये सब पुलिस वाले के साथ अलाउड नहीं है, क्या कर रहे तू? सर उधर देखो, आपकी बाइक पे वो फुर हो गया। सर वो हमारी बाइक लेकर गया, आप क्या करें? टेंशन मत ले बेटा, जब हम आमिर खान की अच्छी खासी धुलाई करेंगे, शाहरुख खान खुद दौड़ा चला आएगा। चले बेटा, चलो आ जाओ। हमारे सर ने भी आज तक ऐसी धांसू एंट्री नहीं मारी। सलाम भाई। नमस्ते सर। डिपार्टमेंट की जब बाइक ले गया था तो बड़ा चौड़ा हो रहा था, अब क्या तेरी हवा निकल गई? डर सर, मुझे बड़े बुजुर्गों से बहुत डर लगता है सर। इसीलिए तो आपने एक बार कहा तो मैं गाड़ी लेकर आ गया। अच्छा सर, मैंने आपकी चाबी लौटा दी है, आप मेरी चाबी लौटाइए। तेरी गाड़ी और तेरी बॉडी दोनों को हम यहाँ जमा कर रहे हैं। ए, सर दंगल के आमिर खान को लेकर आओ। ओके सर। ए, बाहर निकल। सर आपने इसे इतनी बुरी तरह मारा? रात भर फटके खाए पर तेरा पता इसने नहीं बताया। वाह क्या दोस्त है यार। यार तू मुझसे इतना प्यार करता है। इतना इमोशनल मत हो, इनकी थर्ड डिग्री की वजह से मैं अपना नाम तक भूल गया, तेरा एड्रेस का खाक याद रखता। नाटक कंटिन्यू कर, मेंटेन कर यार, मेंटेन कर। बार बार के मेरा मेंटेनेंस बिगाड़ दिया और तू मेंटेन मेंटेन कर रहा है। बस बस पगले। ओए करण अर्जुन, कोर्ट में फाइन भर और बाइक ले जा। सर आप बाइक की चाबी दीजिए, मैं फाइन भर के आता हूँ। अरे डिपार्टमेंट की जीप है ना, उसी में जाओ। सर इसको ये आइडिया मत दो वरना ये हमारी जीप लेकर भाग जाएगा। ए, सर प्लान चेंज करते हैं, साहेब जी है ना, स्पेशल गाड़ी से जाएंगे, जाइए ना सर। ओके थैंक यू सर। सर
मामू कौन सा जुर्म किया है? मर्डर? डकैती? तो फिर रेप? गैंग रेप। वाओ, रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर। आज की जनरेशन कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाती है और हम है कि इन पुरानी टूटी फूटी खंडरों पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इट्स सो बोरिंग। माना कि आज की जनरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी बड़ी आलिशान बिल्डिंग्स बनाती है, लेकिन पुराने जमाने में बने किले, महल, हवेली और मंदिरों की तो कुछ बात ही अलग थी। और तुझे पता है? ये कौन है? पता नहीं यार। रेप करके आया है और स्टाइल देखो कैसा मार रहा है। ये कितना हैंसम है यार, इसने ऐसा काम क्यों किया? मन कर रहा है इसको प्रपोज कर दूं। सुंदर इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, चेहरे से नहीं। बाप रे, इसे देख के तो कंफर्म हो गया कि ये रेपिस्ट के साथ साथ गुंडा भी है। छोड़ो ना, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, ए सबको कोर्ट लेकर जाओ। ए सर, बेड़िया निकालो, लोग क्या समझेंगे। बेटा जरा इनको पानी पिलाना। कुंभी, वो देख मेरी वाली। ये तो वही है। इस वक्त वो यहाँ कोर्ट में है, इसका मतलब वो जरूर लॉयर होगी। सर सर सर, वो लोग कौन से केस में अंदर आई हैं? अच्छा, वो महिलाएं, वो सारी खूंखार चेन लुटेरी हैं। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब वो अपने गहने चंदा पेटी में डाल रही थी। ऐसी लड़कियों से तो शादी करनी चाहिए। है? अच्छी लड़कियों से तो कोई भी एरा गहरा नत्थु खेरा शादी कर लेता है, मगर अच्छे लड़के की पहचान तभी होती है जब वो ऐसी भटकी हुई लड़की को शादी करके गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर लेकर आता है। ऐसा क्या? तो फिर वही लड़की काहे को? उसकी सहेली तो उससे भी बड़ी चोरनी है। ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी उस लड़की के साथ स्वर्ग में बनाई है। और उसकी सहेली के साथ तेरी जोड़ी उसने जरूर नर्क में बनाई होगी। शादी के हसीन सपने बाद में देखना, पहले चलकर फाइन भरो। सर मैं काम करके आता हूँ, 2 मिनट। साहब तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठे। चलो मेरे साथ, चल। सुनिए, दो हे, क्या हुआ इतनी भीड़? साइड में आ, साइड आ। अबे सामने देख कौन आ रहा है। कोट है, लफड़ा नहीं। तू जानता है वो कौन है? जो भी होगा अपने घर पे होगा। उसकी वजह से मेरी वाली कहीं खिसक गई यार। अबे कहाँ जाएगी तेरी वाली, ये तो उसका ही घर है, होगी यहीं कहीं। तेरी किस्मत में होगी तो पक्का मिलेगी। अब चलना यार, चल, चल, रुकना चल, यार देखते हैं ना। मम्मा, मम्मा खाना पका रही हो क्या? अच्छा माँ, तुम्हें किस टाइप की बहू पसंद है, मतलब वो कैसी होनी चाहिए? क्यों बेटा, अचानक ये क्यों पूछ रहे? ऐसे ही माँ। मेरी बहू वो बनेगी जो सबसे पहले अच्छी पत्नी बनेगी। हाय, मम्मी आ जाएंगी। मम्मी, तुम्हारी बहन को ननद नहीं अपनी दोस्त समझे। पी लो, पी लो। लग गई। तुम्हारे पापा की अच्छे से सेवा करे। घड़ी, रिंग, चेन। और मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहे। अरे ये क्या? चल निकाल। मर गया। और कुछ? मुझे तो बस यही चाहिए। शादी का सारा खर्चा हम करेंगे,
सगाई की अंगूठी पहनाएंगे और लड़की हमारी। कहीं वो अंगूठी भी ढाप के भाग ना जाए। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं माँ। तुम क्यों रो रही हो? माँ हर रोज मेरे कॉलेज के पास कुछ गुंडे मुझे आके छेड़ते हैं। वो उन्हीं लड़कियों को छेड़ते हैं जो सीधी होती हैं। मामा, अगर वो गुंडे सीधी लड़कियों को छेड़ते हैं तो फिर ये क्यों रो रही है? माँ इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा, जो करना है कर ले। ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। आयशु खाना ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना। हेलो ऐश्वर्या, तुझे जिन लड़कों ने कॉलेज में छेड़ा था उनकी धुलाई तेरा भाई कर रहा है। सच में? अरे गलती से मिस्टेक हो गया, अब नहीं करूंगा। अरे वो तो मेरी छोटी बहन है, कहो तो राखी बंधवा लूं। अरे मम्मी बचाओ, मर ही गया। ए, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि तेरा बदला लेने के लिए उनकी धुलाई की है। उनका टेस्ट इतना खराब हो गया है कि वो तुझे छेड़ने लग गए। आज कल के लड़कों का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। आओ भाई आओ। सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं पैसे लौटा दूंगा। चुप, अगर इसने पैसे दिए तो इसे छोड़ देना, वरना बेसमेंट में इसकी कब्र खोद देना। वन मिनट सर। सर एक मिनट सर, आप यहीं रुकिए। चेक करना है सर, आप यहीं रुकिए सर। सर मैं जाता हूँ, तू आ जाना। अबे रुक तो। यहाँ क्या है? और इधर? ये मूर्ति जब जेब में हो तो संकट पास नहीं आता। जय हो।